दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है बिस्किट में छेद क्यों होते हैं? असल में ये डिजाइन के लिए नहीं, बल्कि इसके पीछे एक इम्पोर्टेंट रीजन छुपा हुआ है। और आखिर रात को फोटो खींचते वक्त हमारी आंखें लाल क्यों दिखाई देती हैं? क्यों पुराने जमाने में जल्दी उठने के लिए लोग मुर्गी की आवाज का नहीं बल्कि कीलो और जलती मोमबत्ती का इस्तेमाल करते थे? हेलो एवरीवन, आई एम पाइनएप्पल। ऐसे ही इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। नंबर 9, क्या कोई इंसान बदकिस्मत और खुशकिस्मत एक साथ हो सकता है? दोस्तों, क्रोएशिया के फ्रेन सेलेक ऐसे ही एक इंसान हैं। फ्रेन एक बार ट्रेन एक्सीडेंट में बच गए, उसके बाद एक प्लेन क्रैश से भी बच गए, फिर बस नदी में गिरने के बाद भी वो बच गए, और तो और दो कार ब्लास्ट से भी वो बच गए, इसके बाद एक ट्रक एक्सीडेंट से भी वो बच गए। इसके बाद 2003 में फ्रेन ने $1 मिलियन की लॉटरी भी जीती, इसीलिए इनको वर्ल्ड का सबसे लकी और अनलक्की इंसान दोनों कहा जाता है। नंबर 8, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि काव के ऊपर के हिस्से के दांत नहीं होते? असल में गाय के ऊपरी हिस्से में टिश्यू की एक मोटी लेयर होती है जिसे डेंटल पैड कहा जाता है। डेंटल पैड और नीचे के दांत से ही गाय घास को जमीन से खींच पाती है। नंबर 7, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप रात के वक्त फोटोज क्लिक करते हैं तो आपकी आंखें हमेशा लाल दिखाई देती हैं? असल में हमारी आंखों की जो पुतलियां होती हैं वो एक खाली यानी खोखला हिस्सा होती हैं। इसलिए जब फोटोज क्लिक करते वक्त फ्लैश आंखों में जाती है तो उसमें आंखों के अंदर तक की गहराई दिखाई देती है जो कि लाल रंग की होती है। नंबर 6, प्लेन में मिलने वाला खाना बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस खाने में नॉर्मल खाने से 30% ज्यादा नमक डाला जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि प्लेन जब ऊंचाई पर होता है तब हवा में नमी होती है जिससे खाने में सूखापन आ जाता है और खाने का स्वाद पता नहीं चलता, इसलिए प्लेन के खाने में नमक ज्यादा डाला जाता है। नंबर 5, पुराने जमाने में जब अलार्म नहीं होते थे तब कुछ देशों के लोग जल्दी उठने के लिए मुर्गे की कुकड़ू का इस्तेमाल नहीं करते थे। आप जानकर हैरान होंगे कि पुराने जमाने में जल्दी उठने के लिए मोमबत्ती का यूज किया जाता था। दरअसल पुराने जमाने में रात को सोने से पहले कैंडल को स्टील या लोहे के प्लेट में रखकर अपने अंदाजे से उसमें कीलो को घुसा दिया जाता था। मोमबत्ती में कीलो के गड़े जगह के जलने पर कीले प्लेट में गिरती थी जिससे तेज आवाज होती थी और लोग अपने वक्त पर उठ जाते थे। नंबर 4, दोस्तों मक्खियाँ किसी को भी पसंद नहीं होती, लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया है आप जैसे ही उन्हें हटाने की कोशिश करते हैं तो वो आपके अटैक करने से पहले ही उड़ जाती हैं। एक्चुअली मक्खियों को 100 मिलीसेकंड पहले ही उन पर आने वाले खतरे का अंदाजा हो जाता है। नंबर 3, क्या आपने कभी सोते हुए महसूस किया है कि आप बहुत ही ऊपर से गिर रहे हो? दरअसल इसे हिप्निक जर्क कहा जाता है। वैसे तो ये किसी भी तरह का नशा करने से होता है, लेकिन हर कोई तो नशा नहीं करता। डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग कभी कभी फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस लेने से ऐसा हो सकता है। नंबर 2, क्या आपने कभी सोचा है कि जिराफ की गर्दन इतनी लंबी होती है तो उसकी जीभ कितनी लंबी होगी? दोस्तों, जिराफ की जीभ लगभग 20 इंच लंबी होती है और इसकी जीभ का कलर हल्का नीला और काला होता है। और अब नंबर 1, दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर बिस्किट्स में इस तरह के छेद यानी होल्स क्यों होते हैं? ये डिजाइन के लिए तो बिल्कुल नहीं होते। असल में ये होल्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि जब बिस्किट्स को बेक किया जाए यानी पकाया जाए तब इन होल्स की वजह से बिस्किट्स अंदर से भी अच्छी तरह से बेक हो जाएं। बिस्किट्स में क्रंचीनेस भी इसी होल्स की वजह से आती है और बिस्किट्स का टेस्ट भी बढ़ जाता है। ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।